All right, great. So if you can hear me, kids, loud and clearly, please type LNC so that I know that you are there with me. Great. Some people are unable to join, it seems. Okay, chalo, let us start. So we were talking about what happens. तो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम खत्म होने के बाद एक एंजाइम उसको तोड़ देता है, ओके ना? तो अभी एंजाइम तोड़ के क्या करता है, मतलब उसका एग्जांपल देते हैं। तो द न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज द कॉमनेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर न्यूरॉन्स, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स हैव अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइल कोलीन, है ना? नाउ दिस न्यूरोट्रांसमीटर is broken down by an enzyme called choline esterase. Okay, this is an enzyme which will break down the neurotransmitter. Okay, now let's understand. Words ending with ase means enzyme. So generally, words ending with ase means enzyme. Hai na? Words ending with ase means enzyme. बच्चे, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट वुड वर्ड एंडिंग विथ ओज मीन इन बायोलॉजी? वर्ड्स एंडिंग विथ एज, ए एस ई, मींस एंजाइम. व्हाट डज वर्ड एंडिंग विथ ओ एस ई मीन? एनीवन? Very good, Himansh. You're very close. Devangi, absolutely correct. Absolutely correct. Okay. Chalo, I want now all of y'all to participate. मैं बहुत देख रहा हूँ, हम 13 लोग हैं, मतलब total 12 people are there, but answer वही 4-5 लोग कर रहे हैं. तो मुझे ये सोच के बताओ, आपने कौन सा वर्ड सुना है जो ओ एस ई से एंड होता है, ओस से? अनन्या, यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट. जेड पी एन एन 2020 के पी 026, यू आर ऑल्सो एब्सोल्यूटली करेक्ट. रितिशा, तो अगर आपने जो वर्ड आपने लिखा है, अगर वो आपको पता है तो पता वो क्या है, जो भी वर्ड लिखा है आपने. रिया, एब्सोल्युटली करेक्ट. समृद्धि, वो कौन से ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स में आता है, जो भी आपने एग्जांपल लिखा है, वर्ड एंडिंग विद ओज. सबको पता है ना, वर्ड एक वर्ड एंडिंग विद ओज इज ग्लूकोज. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है. ठीक है, सो वर्ड्स एंडिंग विद ओज जनरली मीन कार्बोहाइड्रेट, वर्ड्स एंडिंग विद एज मींस एन एंजाइम. ये किसको, किसके ऊपर काम कर रहा है? एसिटाइल कोलीन के कोलीन पे काम कर रहा है, और वो एक बॉन्ड तोड़ता है जिसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड. ओके, अब अभी आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं कार्बन केमिस्ट्री में जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं. अल्कोहल का मतलब क्या होता है? जिसमें भी ओ एच ग्रुप अटैच रहेगा वो अल्कोहल हो गया, है ना? वैसे ईथर्स होता है, एस्टर्स होते हैं. आगे आप कार्बन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. सो एस्टर इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड विद अ स्पेसिफिक बॉन्ड. सो ये स्पेसिफिक एस्टर के बॉन्ड को तोड़ता है, इसके लिए उसका नाम है
कोलीन एस्टरेज, ठीक है, इसीलिए उसका नाम कोलीन एस्टरेज है. इज दैट अंडरस्टूड? सो इसका एक इंटरेस्टिंग इंप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों नेचर ने किया. यस देवांगी. सो ये एक्सॉन टर्मिनल था, ये डेंड्रॉन टर्मिनल है ना. अब इसके ऊपर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे चिपक गए. तो क्या होता है, यहां से इस न्यूरोट्रांसमीटर को मारने के लिए, तो अभी मारने वाला है तो हम जस्ट ड्रॉइंग इट एज एक्स, तो मारने के लिए कंपाउंड्स भी रिलीज होते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, वंस इलेक्ट्रिसिटी मूव्स फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्रॉन, तो दिस एंटायर एरिया विल बिकम ब्लैंक अगेन, देयर विल बी नो न्यूरोट्रांसमीटर इन इट. समझा? सो से फॉर एग्जांपल, पहला जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसको E1 बोलते हैं. तो E1 आया, कुछ न्यूरो, थोड़ा न्यूरोट्रांसमीटर निकला और ये E1 डेंड्रॉन में चला गया, राइट. जैसे E1 डेंड्रॉन में चला गया तो इसको ब्रेक करने के लिए, अगर ये एसिटाइल कोलीन है तो कोलीन एस्टरेस इसको ब्रेक कर देगा. कोलीन एस्टरेस अगर इसको ब्रेक कर देगा तो क्या होगा, ये पूरा सिनेप्टिक लैब फिर से खाली हो जाएगा. नाउ दैट मीन्स अगर दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स E2 आया तो एक न्यू बैच ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे, है ना. दूसरे सिनेप्टिक वेसिकल से दूसरा बैच ऑफ एसिटाइल कोलीन निकलेगा. फिर जब E2 डेंड्रॉन, एक्सॉन से डेंड्रॉन में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, फिर से देर विल बी कोलीन एस्टरेज टू डिस्ट्रॉय दिस एसिटाइल कोलीन एंड अगेन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट विल बिकम बैक टू नॉर्मल, अंदर कुछ भी नहीं है. सेम थिंग अगर E3 थर्ड इम्पल्स आएगा तो थर्ड बैच ऑफ एसिटाइल कोलीन रिलीज होगा यहां से, वो E3 को यहां पे ट्रांसमिट करने में मदद करेगा. जैसे ही ट्रांसमिट हुआ इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय कोलीन एस्टरेस एंड दिस एंटायर थिंग बिकम्स सिंपल. सो ये जो बिजनेस है ऑफ डिस्ट्रॉइंग द न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर इट इज फॉर्म्ड, this actually does, it prevents mixing of impulses. Okay, very very important, it prevents mixing of impulses. Now iske wajah se agar electrical impulse bahut fast hai aur back to back hai na, बहुत फास्ट है, बैक टू बैक है, हमको नहीं मतलब एकदम बैक टू बैक है, फिर भी हमको वो अलग अलग इम्पल्स फील होंगे, ठीक है. अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि न्यूरोट्रांसमीटर तो एक्सॉन एंड में न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, राइट. एंड मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर अमाइनो एसिड या प्रोटीन डेरिवेटिव. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर है, ठीक है ना. नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन एक्सॉन प्रोड्यूस प्रोटीन्स? कैन एक्सॉन प्रोड्यूस प्रोटीन्स? और माय क्वेश्चन इज, कैन एक्सॉन प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर्स? आपका जवाब यस और नो में चाहूंगा. कम ऑन इन द चैट बॉक्स, टेल मी. ग्रेट अमन, श्रुति, एब्सोल्युटली करेक्ट. आप लोग सब अगर न्यूरॉन का पहले क्लास बैठे हो तो आपको एक मालूम है कि एक्सोप्लाज्म डिफर्स फ्रॉम न्यूरोप्लाज्म इन अ स्पेसिफिक थिंग. एक्सोप्लाज्म डज नॉट हैव राइबोसोम्स, तो क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं होता है, एक्सॉन कैनॉट प्रोड्यूस प्रोटीन्स. तो पता है एक्सॉन के पास कहां से आता है, एक्सॉन इज कनेक्टेड टू अ सेल बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटॉन.
तो ये एक एक्सॉन है और ये एक्सॉन का टर्मिनल, तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर आप देख रहे हो वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन से नहीं आया है, वो न्यूरोट्रांसमीटर साइटॉन में बना। ओके, सो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइटॉन में बनेगा एंड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड वाया एक्सॉन, है ना, एक्सॉन में ट्रांसफर होके देन इट विल रीच द एक्सॉन टिप और एक्सॉन टर्मिनल टू फॉर्म सिनेप्टिक वेसिकल्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैज बीन आस्क्ड इन द नीट, वेयर इज न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस्ड, या न्यूरो ट्रांसमीटर is produced where? In the cell body of the neuron. Cell body of the neuron is called cyton. Neurotransmitter is produced in the cell body of the neuron called cyton and is transported to the axon. Okay? Now, where do you think neurotransmitter destroying enzyme, वो कहां लगता है, कहां आपको लगता है प्रोड्यूस होगा? न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रॉइंग एंजाइम, ये कहां लगता है आपको प्रोड्यूस होगा? कम ऑन, चैट बॉक्स में बताइए। Enzymes are also proteins only. Okay, enzymes are proteins. So now in the chat box, bataiye aap kahan pe ye banega? Very good, Ria. Very good, Kaustu. Very good, Devangi. Nayaman. नई हेमांश, हेमांश अभी हमने बताया था कि एक्सॉन कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स, सो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रॉइंग एंजाइम इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द साइटॉन एंड दैट इज आल्सो ट्रांसमिटेड टू द ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सॉन एंड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, मतलब जो एक्सॉन एंड है उसमें दो तरह के मुझे ये मिलेंगे। ओके, कुछ वैक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ओके, और कुछ वैक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम होगा, और ये दोनों कहाँ पे बनते हैं? साइटॉन में बनते हैं, और साइटॉन से वो कहाँ पे आते हैं? एक्सॉन एंड में आते हैं। समझा? बट जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो कैल्शियम कैन बाइंड ओनली टू दिस, नॉट टू दिस। सो इलेक्ट्रिसिटी जब पहुंचती है तो कैल्शियम विल रीच द सिनेप्टिक क्लेफ। ओके, वेरी ऑल राइट। सो This is all about neurotransmitters. Neurotransmitter का हमने एक example पढ़ा, the commonest neurotransmitter found in most of the cells of our body. Okay, and क्या था? Acetylcholine. Okay, एक और example है adrenaline. So जब ये neurotransmitter discover हुआ तो पता चला कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन और एड्रीनल ग्लैंड का जो हार्मोन है वो केमिकली सेम है। सो एड्रीनल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है वो एज न्यूरोट्रांसमीटर भी बहुत सारे सेल्स में, बहुत सारे न्यूरॉन्स में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एड्रीनालिन। नाउ एड्रीनल का नाम ऑफ लेट चेंज होके एपिनेफ्रोस हो गया है। एड का मतलब है एडजॉइनिंग, नियर, रीनल का मतलब है किडनी। तो अगर उसका ओरिएंटेशन बताऊं तो अगर ये किडनी है तो एड्रीनल ग्लैंड उसके ऊपर ऐसे टोपी जैसा होता है, लाइक अ कैप।
दिस इज द लोकेशन. सो इसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते थे, विच मीन्स एडजॉइनिंग और नियर द क्या, बट अभी मोर करेक्ट है कि ऑन द किडनी. दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज एपिनेफ्रोस एंड दिस इज कॉल्ड एपिनेफ्रिन. एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन है ना, दोनों का मतलब सेम होता है. एसिटाइल कोलीन उसका काम खत्म करने के बाद इज डिस्ट्रॉयड बाय, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिटाइल कोलीन डिस्ट्रक्शन एंजाइम, अभी सिखाया था बताइए. एसिटाइल कोलीन को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम कौन सा? वेरी गुड रितिशा, वेरी गुड कौस्तुभ, वेरी गुड श्रुति, समृद्धि, करेक्ट, वेरी गुड. इट इज कॉल्ड कोलीन एस्टरेज. वैसे ही एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन को डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम को बोलते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज. सो ये दो एग्जांपल्स, न्यूरोट्रांसमीटर और उसका डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम. ओके रिया एब्सोल्युटली करेक्ट, हेमांश यू आल्सो हैड गिवन द करेक्ट आंसर. इतना समझा. Now, let's understand one very important phenomenon, okay? Now, suppose there is a neuron here, okay? And it is connected to many neurons, you know? So, let's give it number N1, N2, N3, N4, N5, you know? Ab N2 ke paas se hai N6, N7, N3 ke paas hai N8, N9, N4 ke paas hai N10, N11 और N5 के पास है N12, N13. अब N6 के पास है N14, N15, N7 के पास है N16, N17. अब सपोज N1, अगर N1 को इलेक्ट्रिसिटी N15 को देनी है, N1 को इलेक्ट्रिसिटी N15 को देनी है. सो कैन यू टेल मी द सीक्वेंस विच विल बी फॉलोड? इलेक्ट्रिसिटी N1 से किसको जाएगा, फिर किसको जाएगा, फिर किसको जाएगा? कवर, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मैप, तो N1 से इलेक्ट्रिसिटी N15 को जाना है, तो N1 के बाद क्या आएगा? N1 इलेक्ट्रिसिटी किसको देगा? कौस्तुभ वाज द फर्स्ट टू आंसर. Very good, Shruti, absolutely correct. Hemansh, absolutely correct. Ritisha, absolutely correct. So logical है ना, N1 से electricity जाना चाहिए N2 को, N2 से electricity जाना चाहिए N6 को, और N6 से electricity जाना चाहिए N15 को. But एक interesting चीज देखो, N1 is connected to N3, N4, N5. तो इसका मतलब N3 N4, N5 में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानी चाहिए, समझा? Also we know N2 is connected to N6 and N7, so N7 में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानी चाहिए, और N6 is connected to 14 and 15, so 14 में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानी चाहिए. So I will need, now this is interesting, I will need a neurotransmitter, okay? This pink area may, the neurotransmitter should allow electrical impulse. And in this area, the neurotransmitter or the electricity should not go from N1 to N3. Nahi jana chahiye. So, aise jagho mein, jahan pe electricity aage nahi badhni chahiye, udhar bhi structure of synapse is the same. Okay, structure of synapse is the same. मतलब उसमें भी axon terminal, dendron terminal, synaptic vesicle, ये सब होगा. Okay, but difference क्या है? उसमें the neurotransmitter release होगा in the cleft. It will attach to
receptor on the postsynaptic terminal. ठीक है, हमने जो earlier पढ़ा उसमें भी ऐसे ही हो रहा था. Neurotransmitter was attaching to the receptor on the postsynaptic terminal. अब can you tell me when it was attaching, what was opening? Come on. So normal neurotransmitters when they were attaching, what was opening? Very good, Ritisha. What channels were opening when a neurotransmitter is attached to receptor on the synaptic cleft? Absolutely correct, Ananya. Riya correct. Samriddhi correct. Right, so sodium channels were opening. Sodium channels were opening means positive charge was entering and it was called depolarization. Now this is important. When these neurotransmitters attach, instead of opening sodium channels, they open chloride channels. Now because of opening of chloride channels, Cl minus will enter the cells. And when Cl minus enters the cell, उल्टा हो गया ना, पहले positive charge enter करना था, अभी इधर negative charge enter करना है. So this is called hyperpolarization. अब जब भी hyperpolarization होता है तो electricity आगे नहीं जा सकती है. Depolarization means electricity is generated. Hyperpolarization की वजह से electricity is stopped. So because of this, electrical impulse cannot move forward. Because of this hyperpolarization, electrical impulse can't move forward. And these neurotransmitters have been given a specific name. These neurotransmitters are called inhibitory neurotransmitters. Inhibitory kyun bolte hain? INHI. Inhibitory kyun bolte hain? Because they inhibit the electrical impulse to move forward. So, is kyunki chloride channels open honge, to dendron mein electrical impulse banega hi nahi. So, electrical impulse axon se dendron mein jayega hi nahi, wo ruk jayega. So, in this diagram, if you see, this axon will have excitatory neurotransmitter. And this axon will produce, the red wala will produce inhibitory. Similarly here excitatory banega aur yahan pe banega inhibitory. Similarly idhar excitatory neurotransmitter banega aur idhar banega inhibitory. So kyunki aisa hoga, electricity yahan pe ruk jayegi par sirf yahan jayegi, fir yahan pe ruk jayegi sirf yahan jayegi. Dono mein difference kya hota hai? Excitatory neurotransmitter, okay, difference, excitatory neurotransmitter and inhibitory neurotransmitter. Excitatory neurotransmitter और inhibitory neurotransmitter में फर्क क्या है? चलो टेल मी, आप लिखेंगे चैट बॉक्स में, फर्स्ट डिफरेंस इज देयर फंक्शन. बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्साइटेटरी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनहिबिटरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में. सो आई कैन से very good Ritisha, very good Shruti. So excitatory allows the transmission, excitatory neurotransmitter allows the transmission of electrical impulse, allows the transmission of electrical impulse across a synapse. So what will be the inhibitory neurotransmitter ka function? Same, it will prevent, it prevents the transmission of electrical impulse across the synapse. Ab maine sirf prevent likha hai, jab aap likh rahe ho aap pura likhoge.
वेरी गुड रितिशा, दूसरा इनहिबिट भी बोल सकते हो आप. ओके, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इंपल्स अक्रॉस अ सिनेप्स. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रिवेंट्स इट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. ओके, चलो नेक्स्ट इज चैनल्स. एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क ऑन विच चैनल्स and inhibitory neurotransmitters work on which channels. Very good Ritisha, very good Shruti. Lagta hai sirf Shruti, Ritisha, Riya ye log hi class mein hai. Very good Samriddhi. So these will open sodium channels. So basically sodium channels will do what? Allow entry of sodium. What do? They open chloride channels. Chloride ions andar aate hain. So because of this, what is the electrical change? What is the electrical change that is brought about? What is the change that is brought about? Because of this, the electrical change which is brought about is called depolarization. Yes? And because of this, the electrical change which is brought about is called hyperpolarization. Very good, Ritisha. Very good, Hemansh. Very good, Samriddhi. Shruti. Okay. And finally, examples. Chalo, mujhe batao, acetylcholine kya hai? एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी है? एसिटाइल कोलीन क्या है? वेरी गुड कौस्तु, वेरी गुड रितिशा, वेरी गुड रिया. एसिटाइल कोलीन इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. इवन एड्रिनालिन, एड्रिनालिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, दैट इज आल्सो एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल देते हैं. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन. तो अगर आपके बॉडी में डोपामिन घूम रहा है तो आपको एक फीलिंग ऑफ कामनेस लगता है. बिकॉज डोपामिन इज इनहिबिटरी, तो आपके सेंसेस को थोड़ा सा, मतलब आपको नशा आने लगता है, हल्का हल्का नींद आने लगता है, राइट? दैट इज डोपामिन. एंड वी ऑल्सो हैव the neurotransmitter glycine. Glycine is also an inhibitory neurotransmitter. It's an amino acid which also acts as a neurotransmitter. Then there is one more, it's called GABA. Gamma amino butyric acid. इसको एक्रोनिम करते हैं गैबा, GABA, गैबा, गैमा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड. जब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, नाम डिफिकल्ट है, इसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं. व्हेनेवर यू हैव एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूट्रिक, ओके, ब्यूट्रिक का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स विल बी प्रेजेंट. जैसे अगर एनीथिंग इज रिलेटेड विथ मेथ, मिथाइल, मिथेमिक, तो नॉर्मली, वेरी गुड रिया, रितिशा, देवांगी, ब्यूट्रिक का मतलब होता है चार कार्बन एटम. और एसिड क्या होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एसिड क्या होता है? देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड में बहुत सारे, जिसका पीएच लो होता है, जो एच प्लस आयन डोनेट करता है. बट वॉट आर ऑर्गेनिक एसिड्स? Organic acids are those which have this carbon, COOH. ये carbon आता है, right? अब इसमें total चार carbon है. अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूं structure, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं. So ये चार carbon वाला acid हो गया, जिसका नाम है butyric acid. Now जब भी हम numbering करते हैं या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, तो इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, मतलब
ये एसिड के जैसा फंक्शन करता है क्योंकि इसके पास COOH है। सो ये अपना मेन कार्बन हो गया, ये फर्स्ट कार्बन हो गया। द कार्बन एटम अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। द कार्बन एटम अटैच टू दैट कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन एंड द कार्बन एटम विच इज अटैच टू द बीटा वन इज कॉल्ड गामा कार्बन। सबको समझा? न्यूट्रिक एसिड मतलब चार कार्बन, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH, COOH पे जो कार्बन एटम अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके ऊपर जो कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, उसके ऊपर जो कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं गामा कार्बन। अब दिस गामा कार्बन हैज एन अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप इज डिराइव फ्रॉम अमोनिया, सो अमाइनो ग्रुप इस पे अटैच रहता है। तो अमाइनो ग्रुप किस पे अटैच है? गामा कार्बन पे। गामा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, ऐसा वाला ब्यूट्रिक एसिड। स्पेलिंग एरर हुआ है, ब्यूटीरिक होता है, ब्यूट्रिक। ओके, सो गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड गाबा, GABA। सो दिस इज वन मोर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अब नॉर्मली जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो इसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च क्वेश्चंस दिए थे, मेजॉरिटी का आंसर मैंने आपको अभी दे दिया, बट मुझे एक दो आप रिसर्च क्वेश्चंस करके नेक्स्ट क्लास बताइएगा। कल हमारी नेक्स्ट क्लास है। द वन रिसर्च क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर टू बी डिस्कवर्ड। ओके, विच इज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर टू बी डिस्कवर्ड। Next, so now what we just did was electrochemical synapse, ठीक है, और उसके हम properties लिख रहे थे, right? So पहला property क्या था electrochemical synapse का? The presynaptic terminal and postsynaptic terminal are structurally not similar, they are structurally different, they are structurally different. What is the next point of differentiation? What is the next point? Yeah, the flow of electricity is unidirectional, that means it flows always from presynaptic terminal to the postsynaptic terminal only. Next, electrochemical synapse will have something known as synaptic delay. क्यों होगा synaptic delay? क्योंकि it takes time for neurotransmitter to be released and go to stick to the receptor. So there will be some amount of delay. In electrochemical synapses, there is no mixing of impulses. There is no mixing of impulses. So, अगर एक electricity गया तो उसके लिए one batch, एक electricity गया तो उसमें one batch of electrochemical acetylcholine बनेगा, फिर दूसरे electricity के लिए दूसरा. So that is why we can perceive different electricities, so there is no mixing of impulses. Next, they also show a phenomenon called synaptic fatigue. What is the meaning of the word fatigue? Fatigue ka matlab hota hai to get tired. If the axon terminal, I'll come back to the slide. If the axon terminal receives impulses continuously and at a faster rate. If axon terminal receives electrical impulses continuously at a faster rate, okay, then what will happen? Ki agar ek electricity gaya
तो एसिटाइल कोलिन यूज हो गया, दूसरा गया वो भी यूज हो गया, तीसरा गया वो भी यूज हो गया. सो ऑल द सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड ऑल द न्यूरो ट्रांसमीटर्स विल बी यूज अप. इफ ऑल द न्यूरो ट्रांसमीटर्स इज यूज अप तो अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा भी तो वहां पे कोई न्यूरो ट्रांसमीटर है ही नहीं, तो मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी कैनॉट गेट ट्रांसमिटेड. ओके, एंड वी कॉल दिस फिनोमिनन एज सिनेप्टिक डिले, सॉरी सिनेप्टिक फटीग. बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि सिनेप्टिक फटीग इज नॉट देयर फॉर एवर. इसका मतलब क्या है, थोड़े टाइम के बाद साइटॉन नया बैच ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर बना के वापस भेज देगा. तो जब न्यूरो ट्रांसमीटर नया बना के वापस भेज देगा तो थोड़े टाइम के बाद न्यूरो ट्रांसमीटर जाना शुरू हो जाएगा, समझा. तो से फॉर एग्जाम्पल एक्सॉन से बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत फास्ट जा रहा है, तो देर विल बी अ टाइम व्हेन ऑल द न्यूरो ट्रांसमीटर विल बी यूज्ड अप. तो जब अब एक दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से E4 जा रहा है तो वो फील ही नहीं होगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, और जब वो आगे जाएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अपने आप रुक गया. बट थोड़े टाइम के बाद साइटॉन से न्यूरो ट्रांसमीटर बन के आता है, ठीक है. नाउ दिस इज द सिनेप्टिक फटीग इज बिकॉज न्यूरो ट्रांसमीटर कहीं और से बन के आता है और एक्सॉन में चिपक जाता है ना. सो दैट्स द कॉज ऑफ सिनेप्टिक फटीग, राइट. सो सिनेप्टिक फटीग इज सीन. नाउ दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन इन आवर बुक्स, इवन इन एनसीईआरटी. But NCERT has also just mentioned, I will just take this in a different way. There are some synapses called electrical synapses. Dono ka difference dekho. Okay? Dono ka difference kya hai? Ek mein likha hai humne electrochemical synapse. Ek mein likha hai electrical synapse. Ab dono mein farak kya hai? In dono mein farak ye hai ki post and pre-synaptic synapses are same. मतलब structurally उन दोनों में कोई difference नहीं होगा और उनमें microscopic gap भी नहीं होता है. तो ऐसा ना जैसे दो wires एक दूसरे को touch होते हैं, वैसा वो touch होता है. ठीक है ना. So electrical synapses are synapses in which the presynaptic and postsynaptic terminal are structurally same and they don't have a microscopic gap. So, ab mere ko batao, electrical synapse mein presynaptic postsynaptic structurally same hai. So, the flow of electricity will be unidirectional or bidirectional? The flow of electricity will be unidirectional or bidirectional? Hai na? Matlab, सपोज ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है, दोनों देखने में एक जैसे ही हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इससे इधर भी जा सकती है, इससे इधर भी जा सकती है. सो दैट्स द डिफरेंस, दे विल बी टचिंग ईच अदर, सो दे विल हैव बाईडायरेक्शनल अप्रोच, बाईडायरेक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर ये सब नहीं बनता है. ओके, सो दैट इज वाई देर इज नो सिनेप्टिक डिले इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स.